हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जो कि ये वीडियो के अंदर मैं आपको फुल रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो इसके अंदर जो है मैं विंडोज 10 इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड, जो कि कल ही मैंने इसका वीडियो बनाया था रात को ही 18975, तो ये आप यहाँ पर से ये देख सकते हैं 18 बिल्ड जो है मेरा वो 18975 लेटेस्ट अपडेट है ये विंडोज 10 इनसाइडर प्रीव्यू का, जो कि फास्टिंग के अंदर वाला अपडेट है। और अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो इसको आप जाके फटाफट से अपडेट कर लें, क्योंकि इसके अंदर तो जो दो तीन नए फीचर जो आए होगा। सो सबसे पहले जो फीचर है वो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है आप पहले फीचर में जो है इंट्रोड्यूस जो किया है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना विंडो का, तो इसको जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश वाला जो इंग्लिश इंडिया वाला जो लैंग्वेज है वो अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। तो ये आप कुछ अपडेट दिखा रहा है मुझे, एक बार से मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे कुछ अपडेट आया इसका। तो इसमें अपडेट बेसिकली ये था कि आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को, और इसको इधर से उधर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जो कि ये पहले ये काम नहीं होता था इसके अंदर, इसकी हाइट को एडजस्ट करना ये वाला काम नहीं कर पाते थे पहले आप। तो ये अपडेट हो चुका है, फिर भी अभी हमारे जो है इंडिया में इंग्लिश इंडिया के लिए ये अवेलेबल नहीं है। कोई नहीं, मैं इसको अभी यहाँ पर से हटाता हूँ। जब भी ये फाइनल वर्जन इसका रिलीज होगा उसमें जब हमारे लिए अपडेट अवेलेबल होगा, ये हमारे लिए जब अवेलेबल होगा तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, इसको अपना मिनिमाइज करके जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अपडेट है मैं उसकी बात करता हूँ। अगर आप यहाँ पर से विंडोज़ 10 को यूज़ करते हैं तो एक नया चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि फर्स्ट प्रीव्यू एंड कोड रिलीज फॉर पावर टॉयज। तो एक बेसिकली ये विंडोज़ का जो एक्सप्लोरर वाला सेक्शन है उसको इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, एक इम्प्रूवमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ज़्यादा इसके अंदर कुछ खास मुझे अपडेट लगा नहीं, ऐसा कि कुछ इसके अंदर मुझे मतलब यूज़फुल लगा है अभी। बाकी देखते हैं कुछ नया इसमें करता है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट, तो फिर मैं इसके अंदर आपको जो है एक वीडियो के अंदर कभी आने वाले वीडियोज में मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट जो और एक अपडेट है जो कि एक बहुत ही अच्छा अपडेट है, जैसे आप पहले यूज़ करते थे टास्क व्यू वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पर से मैं विंडो प्लस टैब को ओपन करता हूँ तो ये टास्क व्यू खोल सकते हैं आप यहाँ पर से, और ये न्यू डेस्कटॉप पर जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर से क्लिक करके आप यहाँ पर से जा सकते हैं, यहाँ स्विच कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप 1 है, डेस्कटॉप 2 है, तो लाइक मैं इसको डेस्कटॉप को रीनेम करता हूँ। तो पहले रीनेम वाला अपडेट आ चुका था, पहले ही कुछ 50% यूज़र को ये मिला था, और ये फाइनली जितने भी अब यूज़र हैं उन सभी को जो है ये रोल आउट कर दिया गया है उनके लिए अपडेट। डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पर से मैंने इसको रीनेम कर दिया, और यहाँ पर कहीं पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो ये आप देखिए ये करंट वर्क के नाम से ये रीनेम हो गया है। यहाँ पर से आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो ये मैं कर देता हूँ अभी, कुछ भी इसको आप रीनेम कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से जो भी रीनेम कर सकते हैं। ये भी अच्छा अपडेट है, आप अगर कई मल्टीपल विंडोज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके इसमें आपको जो है ये आसानी रहेगी फाइंड करने के लिए कि आप कौन से पे क्या काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने में मदद करेगा। बाकी यही कुछ खास अपडेट थे इसके अंदर, जो पुराने बग्स थे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बग्स की लिस्ट है जो कि इसके अंदर फिक्स किया गया है, जैसे मैं बता दूँ ब्लूटूथ के अंदर या फिर डिवाइसेस के अंदर, या फिर और कई ऑप्शन है यहाँ पर से, जैसे नरेटर हो गया, कोर्टाना हो गया, वो सारे बग्स को जो है इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो आई होप ये सारा प्रॉब्लम आपके इसमें फिक्स हो गया होगा। कुछ इशूज़ भी है इसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अगर आप पीसी को रीसेट करते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में तो उसके अंदर कुछ अभी दिक्कत आ रही है लोगों को, वहां पर से कुछ दिक्कत आ रही है, रीसेट वाले सेक्शन में ज़्यादा ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो यही कुछ अपडेट थे, और आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।